गाइज गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कैंचन। सो गाइज आज है श्रीकांत का बर्थडे और हम लोग करने वाले हैं श्रीकांत का बर्थडे सेलिब्रेट। एक्चुअली एक मिनट, मेरे आँखों में पता नहीं क्या चला गया है, एकदम से उसे चुभ रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या गया है। तो इन्होंने केक लाया है, केक आपको दिखा देती हूँ। मतलब ऑर्डर नहीं दिया था, ऐसे ही गए थे अभी ये और लेके आए हैं। पिज्ज़ा का सामान लेके आए हैं, तो पिज़्ज़ा बेस और ये सब कुछ, मतलब सॉस वगैरह ये लेके आए हैं। तो हम लोग अभी पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं और श्रीकांत आएगा तो केक कट करेगा। एक्चुअली वो मंदिर में गया था बोल रहा था और भीग के आया है उधर से, पता नहीं यार क्या गया है आँखों में, क्योंकि बारिश चल रही थी अभी तक। यही तो लाने गया ना, वो पिज़्ज़ा का बेस और केक लाने गया ना, भीग के आया उधर से। और आपको मैं दिखाती हूँ केक कैसे लाया है, सिंपल सा है बट फिर भी दिखा देती हूँ आपको। देखो ये मन भरी से लाया है केक, एक्चुअली ऑर्डर केक नहीं है, ऐसे ही वहाँ से लेके आया है, बट बहुत ही सुंदर लाया है। देखो यहाँ पर श्रीकांत नाम भी लिखा है, हैप्पी बर्थडे श्रीकांत। तो अभी श्रीकांत आने के बाद केक कट करेगा, तब तक मैं बनाती हूँ पिज़्ज़ा। यहाँ पर ये चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस, और उसके बाद यहाँ पर पिज़्ज़ा ये ब्रेड ये लेके आए हैं, पिज़्ज़ा बेस। क्या पिज़्ज़ा चैलेंज? नहीं, श्रीकांत मामा का बर्थडे है ना, इसी वजह से पिज़्ज़ा बर्थडे के लिए बनाएंगे। और अद्विक की हेयर कट भी करा के लाई है इन्होंने। हाँ। अच्छी लग रही है, इधर आओ ना, दिखाओ ना पूरी। लेकिन हम लोग गाँव में करते हैं ना, उस टाइप की नहीं है ये, मुझे नहीं पसंद आई इतनी। ठीक है, गाँव में अच्छी करके देते हैं अद्विक की हेयर कट। 10 में से 6 10 में से 6 दूंगी, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा नहीं पसंद आई। इधर देखो 10 में से 10 अभी बनाने वाले है पिज्जा। यहाँ पे ये सब कुछ कट करके रखा है, सब्जियाँ बस 3 ही है, ऑनियन है, टोमेटो है, कैप्सिकम है, 3। और उसके बाद ये पिज्जा सॉस लगाऊंगा, अभी दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली श्रीकांत और रानू को आने के लिए थोड़ा सा लेट ही हो गया था, लेट क्या थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया था। इनको ड्यूटी जाना था तो ये वेट ही कर रहे थे। एक्चुअली वो उधर से आए पहले मंदिर में गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मंदिर में गए थे, उधर से आए भीग के आए, तो फिर रेडी हुए घर पर। घर पर रेडी होने के बाद फिर घर पर बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, फिर इधर बुलाया मैंने तो यहाँ पर आए, तो उसमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया उनको। तब तक तो मैंने पिज़्ज़ा बना ही लिया था, तो वो आते ही हम लोग पिज़्ज़ा खाने बैठ गए और इनका तो खाना हो गया था। एक्चुअली इनकी ड्यूटी थी ना, तो इसी वजह से मतलब इनका खाना हो गया, ये ड्यूटी इनको तुरंत जाना था, तो इसीलिए वेट ही कर रहे थे हम लोग। श्रीकांत आए और श्रीकांत केक कट करे, उसके बाद वो ड्यूटी चले जाएंगे।
सबसे पहले आपको तो पता ही है, हमारे यहाँ पे ऑक्शन होता है, मतलब टीका वगैरह लगाया जाता है, उसके बाद आरती उतारी जाती है और उसके बाद ही केक कट किया जाता है। बस यहाँ पर केक कट हो गया है, सबने एक दूसरे को केक भी खिला दिया है, अभी हम लोग केक खाने वाले हैं। और टेस्टी केक बहुत ज़्यादा था यार, मतलब सिंपल सा था, दिखने में तो सिंपल था बट बहुत ज़्यादा टेस्टी था, टेस्ट तो लाजवाब था केक का। और ये यूनिफॉर्म में है इसी वजह से, क्योंकि अभी केक खा लेंगे और उसके बाद ड्यूटी जाएंगे, इनकी ड्यूटी ऐसे बीच में कभी भी आ जाती है। हे गाइस, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि माही का बॉटम वेयर कलेक्शन दिखाने के लिए, किसने रिक्वेस्ट की थी कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं आपको माही का बॉटम वेयर कलेक्शन दिखा देती हूँ, उसके साथ मैंने जो अभी रिसेंटली परचेस किया है वो भी प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला है ये स्कर्ट है ब्लैक कलर में, और उस पर जो क्या बोलते हैं डॉट्स दिए हैं, जो पोलका डॉट्स होते हैं वो व्हाइट कलर के। और इसका कपड़ा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसका कपड़ा बहुत ही स्मूथ है और माही को भी बहुत ज्यादा पसंद आया इसका कपड़ा, कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा। और नी लेंथ से थोड़ा सा ऊपर, हाँ नी लेंथ तक भी बोल सकते हो, नी लेंथ से थोड़ा सा ऊपर भी बोल सकते हो, ऐसे आता है माही को और बहुत ही सुंदर दिखता है पहनने के बाद, आप इस पे कोई भी कलर का टॉप पहन सकते हो। दूसरा है ये वाला स्कर्ट, ये ऊपर आता है, मतलब शॉर्ट है थोड़ा सा, और यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा फ्रिल है यहाँ पे, और ऐसे यहाँ पर भी फ्रिल है, थोड़े से नीचे भी फ्रिल है, दो फ्रिल की डिजाइन है, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये भी। और ये भी माही को बहुत ज्यादा पसंद आया था, मैंने जब लिया था उसके लिए, और जब मैं माही के लिए कपड़े लेती हूँ ना तो उसको बताती नहीं हूँ, जब डायरेक्ट आते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए करना चाहिए कभी कभी। तो ये इसका कपड़ा भी बहुत ज्यादा स्मूथ है, सॉफ्ट कपड़ा है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये भी स्कर्ट। उसके बाद ये वाला जो डेनिम स्कर्ट है, ये भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये मतलब जो भी मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ ना महंगे, ज्यादा महंगे नहीं है बट बहुत ज्यादा स्टाइलिश लुक देते हैं, आप जब वो पहनते हैं ना आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है, और आप लोग पूछते रहते हो कि दी ये कहाँ से लिया वो कहाँ से लिया, तो सारे मैंने अमेजोन से लिए है ये। तो ये वाला स्कर्ट देखो आप, ये भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल है। आप देखो यहाँ पर भी बटन दी है आगे, और ये डार्क ब्लू कलर में है, इसी तरह से एक स्काई ब्लू कलर में है, तो वो वाला ये है, ये भी सेम ही है उसी तरह से पैटर्न, और ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, दोनों भी डेनिम स्कर्ट। आप लोगों ने इसके बारे में पूछा था जब माही ने ये फ्रेंडशिप डे के दिन पहना था, और बहुत लोगों ने इसकी लिंक मांगी थी, तो मैंने सोचा चलो ये भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से सीक्वेंस की इसकी स्लीव्स है, पट्टी दी है सीक्वेंस की, और वो भी सिल्वर सीक्वेंस की, और पूरा बॉडीकॉन ड्रेस है ये ब्लैक कलर का, कपड़ा भी बहुत ज्यादा अच्छा है, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है इस ड्रेस की, और दिखने में भी बहुत ज्यादा क्लासी दिखता है, तो पहनने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आपने देख ही लिया है।
उसके बाद ये वाला डेनिम लिया था मैंने उसके लिए जो ओनली का है, ये भी मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। और उसके बाद इसकी जो फिटिंग है वो माही के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। और इसका जो पैटर्न है ना वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब आप देखो इसका पैटर्न कितना ज्यादा प्यारा है और इसकी फिटिंग काफी ज्यादा अच्छी आती है पहनने के बाद, तो इसी वजह से ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसमें 26 साइज है माही की, 25 लगती है उसे, बट 26 लेनी पड़ती है, 25 नहीं मिलती है। और ओनली के डेनिम की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो ओनली ब्रांड से ही आपको पता चल गया होगा कि कैसा होगा ये डेनिम। उसके बाद जो मैंने माही के लिए रिसेंटली लिया है, अभी अभी कुछ दिन पहले आया है ये, तो वो है ये वाला ड्रेस। जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो अलग था, ये वाला ड्रेस अलग है। इसका टैग भी अभी तक नहीं निकला है, 2-3 दिन पहले ही रिसीव हुआ है। तो इसकी जो स्लीव्स है वो पॉप स्लीव्स है और नेट की स्लीव्स है, पूरा ब्लैक ड्रेस है। और ब्लैक ड्रेस माही के ऊपर क्या किसी के भी ऊपर अच्छे लगता है, तो एक्सरसाइज लगती है माही को इस ड्रेस में कुर्तीज में किसी भी चीज में एक्सरसाइज लगती है। और जो बॉटम वेयर है उसमें माही को लगती है 25 साइज, बट 26 लेनी पड़ती है मुझे क्योंकि 25 मिलती नहीं है इस वजह से। और यहाँ पर पूरा नी लेंथ से थोड़ा सा ऊपर आता है ये। और इसकी कपड़े की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, धोने के बाद ये खराब नहीं होगा या रुए नहीं निकलेंगे इसके, तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैंने अपने लिए लिया है ये वाला शू जो है स्पार्क का, मैंने अपने जिम के लिए लिया है। कुछ दिन हो गया जिम जाना ही नहीं हो रहा है क्योंकि पहले मम्मी के घर गई थी, उस टाइम गैप हो गई, उसके बाद मम्मी यहाँ पे आई थी, अभी जिम दोबारा से स्टार्ट की है, तो मैंने ये लिया है स्पार्क का शू। और स्पार्क के शू मैंने इससे पहले भी आपको बताया है बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता है, कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है। और ब्रांडेड है बट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता है। अगर आपको अच्छा सा ब्रांडेड कोई शू चाहिए अपने जिम के लिए या वॉक करने के लिए या रनिंग करने के लिए, तो आप स्पार्क के शू ले सकते हो, मतलब आपको ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है और आपको ब्रांडेड भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, कंफर्टेबल भी चाहिए, तो आप ले सकते हो ये वाला शू। मतलब ये वाला क्या, दूसरे भी इसमें स्पार्क में सर्च कर सकते हो, दूसरे भी ले सकते हो, बट ये वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। थोड़ा सा पीच कलर में इसमें डिटेलिंग दी है और ब्लैक कलर का, ज्यादातर मुझे ब्लैक कलर के ही शू अच्छे लगते हैं। पहले वाला जो मेरा पूमा का है वो पूरा पीच कलर में है, अब ये मैंने ब्लैक कलर और पीच कलर में लिया है, दोनों का कॉम्बिनेशन। उसके बाद मैंने इनके लिए एक स्पार्क की सैंडल मंगाई है पूरी ब्लैक, पहले मैंने नियॉन और ब्लैक में मंगाई थी, नियॉन एंड ग्रे में पूमा की सैंडल थी इनके लिए मंगाई थी, वो भी अच्छी है, मतलब वो तो बहुत ही अच्छी है और ये भी बहुत ज्यादा अच्छी है। स्पार्क के मैंने आपको पहले भी बताया इससे पहले भी कि स्पार्क के शू या फुटवेयर जो होते हैं ना वो सस्ते होते हैं बट बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वैसे ही इसका है। पूमा तो है ही ब्रांड बट स्पार्क भी कुछ कम नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंग स्पार्क भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी देता है। तो ये मैंने इनके लिए मंगाई है सैंडल जो पूरी ब्लैक कलर की है, इनको ब्लैक कलर की पूरी चाहिए थी तो ये इनके लिए मंगा ली, बहुत ही ज्यादा अच्छी है गाइस। उसके बाद मैंने इनके लिए ये पूमा का वॉलेट मंगाया है, ये है। एक्चुअली इससे पहले जो वॉलेट दिया था मैंने वो इन्होंने इतने दिन चलाया, मतलब मैंने ही इनको गिफ्ट किया था, उनके शायद बर्थडे पे गिफ्ट किया था या पता नहीं, बट बहुत दिन पहले गिफ्ट किया था, उसके बाद अभी ये गिफ्ट कर रही हूँ। ये पूमा का है और यहाँ पर जो ब्रांडिंग दी है वो पूमा की स्टील में दी है, छोटा सा, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही स्लीक है। यहाँ पर अगर ऐसे कंपार्टमेंट दिए है 3, यहाँ पर आप अपने कार्ड्स वगैरह रख सकते हो, यहाँ पर मनी रख सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। क्वालिटी वाइज काफी ज्यादा अच्छा है, लेदर प्योर लेदर का है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये। और अभी इन्होंने यूज नहीं किया है, अभी इनको यूज करने के लिए देती हूँ क्योंकि 2 दिन पहले ही रिसीव हुआ है ये। तो अभी आप बॉटम वेयर के लिए इतने दिनों से बोल रहे थे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मैंने पूरी कर दी, बॉटम वेयर पूरे दिखा दिए माही के। और अभी की जो शॉपिंग है 2-3 मैंने चीजें परचेज की थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। तो गाइज ये सारी चीजें मैंने अमेजोन से ली थी, अगर माही के बॉटम वेयर का लिंक भी चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और न्यू जो परचेज मैंने किया है अभी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। गाइज मेरे घर पे मेस दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये सारा मेस है जो अभी पिज्जा का है, उसके बाद केक का है, सब कुछ क्लीन करना है मुझे अभी। गाइज इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है और बहुत अच्छे से हुआ है, तो घर के घर में ही था बट ठीक है अच्छे से हो गया है बर्थडे सेलिब्रेशन। तो चले गाइज इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।
और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।